साथ मैं हूँ प्रीति और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा अध्यक्ष पर कागज फेंके, 6 सांसद निलंबित। कारगिल लड़ाई में मारे जाते नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ, रिपोर्ट। बीसीसीआई महिला टीम के लिए आयोजित करेगा भव्य समारोह। लालू की पार्टी के विधायक ने सीबीआई की कुत्ते से की तुलना। खतरनाक इरादे, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने मिलाया माओवादियों से हाथ। निठारी कांड, सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह को फांसी की सजा। काबुल के शिया बहुल इलाके में विस्फोट, 35 लोगों की मौत। इस बार चीनी सेना ने दी युद्ध की धमकी, कहा भ्रम में न रहे भारत। और टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने किया 7 कश्मीरी अलगाववादियों को गिरफ्तार। ये थी आज की प्रमुख हेडलाइंस। अन्य खबरों और ताज़ा तरीन जानकारियों को जानने के लिए आप लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com।